एस्टेन चैनल के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम रोज शहर की एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में मेरे साथ आयुर्वेद विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रेवती रमन जी पारिक साहब हैं। रेवती रमन जी पारिक साहब से इनके संक्षिप्त जीवन परिचय, साथ ही आयुर्वेद का क्या महत्व है और आयुर्वेद आज रोगियों को किस तरह संबल दे रही है, आइए हम बात करते हैं रेवती रमन जी पारिक साहब से। पारिक साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पारिक साहब, आप अपने जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आप कब से इस सेवा से जुड़े हैं? जी प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस एस्टेन चैनल पर बुलाया। मैं प्रारंभिक रूप से मंडौरा जिला कोटा का रहने वाला हूँ। कक्षा 8 तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी, उसके बाद कोटा मल्टीपर्पज़ में 11वीं कक्षा पास करके और फिर मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में पढ़ाई करने गया। वहीं से मैंने BA MS किया, उसके बाद पश्चात जो स्नातकोत्तर उपाधि होती है MD, वो भी मैंने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से ही ली है। पारिक साहब, आप और भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और आपने रामलीला में भी मंचन किया है, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी देखिए, मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसको अपना जो पेशा है उसके साथ साथ अन्य सामाजिक कार्यों में भी भागीदार होना चाहिए। उसी के अंतर्गत कोटा में श्री राघवेंद्र कला संस्थान है, उसमें से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और उसमें चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का रोल मुझे करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसको मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा कोटा में श्री महाप्रभु जी का मंदिर है, उसमें श्री पुरुषोत्तम साहित्य प्रकाशन और सेवा संस्थान का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। उसके अलावा जनहितेशी आयुर्वेद औषधालय समिति पाटनपोल और घोड़ेवाले बाबा चौराहे पर उसका ऑफिस है, मैं वर्तमान में उसका अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से मैं ये चाहता हूँ कि जो भी जनभागीदारिता के कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, मैं उनसे जुड़ूँ और जहाँ तक हो सके इस समाज की और राष्ट्र की सेवा करूँ। पारिक साहब, आप आयुर्वेद विभाग में सहायक निदेशक, आपका क्षेत्र जो आयुर्वेद का दायरा है ये जिले में कहाँ कहाँ तक आता है और किस तरह उसका संचालन करते हैं? जी मैं आयुर्वेद विभाग कोटा संभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक हूँ। तो संभाग स्तरीय अधिकारी होने के नाते कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये चारों जिलों का निरीक्षण या अन्य कोई मार्गदर्शन हमें उच्च स्तर से प्राप्त होता है तो उसको क्रियान्वित करना इन सभी जिलों में, वो हमारा दायित्व है। हम लोग बराबर निरीक्षण करने जाते हैं वहाँ के औषधालय, वहाँ के जिला चिकित्सालय, वहाँ की जो यूनिट्स काम कर रही हैं जैसे पंचकर्म की यूनिट, जरा अवस्था की यूनिट, क्षार सूत्र भगंदर उसका भी एक यूनिट हमारे यहाँ पर है, वो भी कार्य हो रहे हैं। इसके अलावा फार्मेसी हमारे केलवाड़ा में है, बारह जिले में, उसका भी हम काम देखने जाते हैं। हमारे बारह जिले में ही नाहरगढ़ में हमारे पास में वनौषधि के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन है, वो भी हमारे अंतर्गत है, वो हमने देखने जाते हैं। बूंदी जिले में भी इसी प्रकार से हमारे पास में वनौषधि वाटिका है। तो इस प्रकार से काफ़ी कार्य आयुर्वेद विभाग में हो रहे हैं जो हम हमारे वर्तमान जो ऑफिस है उससे निरीक्षण करते हैं। कोटा जिले में आज जो आयुर्वेदिक का प्रचार प्रसार, यानी लोग पहले आयुर्वेद पे इतना विश्वास नहीं करते थे, आज आयुर्वेद की तरफ लोग रोगी मुड़े हैं, तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है जागरूकता। व्यक्ति स्वयं अध्ययन करता है, अखबारों में पढ़ता है और आपके जो चैनल्स हैं, दृश्य और श्रव्य जो कार्यक्रम हैं, अखबार प्लस ये चैनल्स आपके, इनके माध्यम से जो अच्छी सामग्री आप जनता को दोगे, जनता उसको एक्सेप्ट करती है। अब जो आयुर्वेद का प्रेमी है
वो आपके माध्यम से हमारे माध्यम से आयुर्वेद को पकड़ेगा और कोशिश करेगा कि मैं आयुर्वेद के माध्यम से आगे बढ़ूं। तो ये दोनों तीनों जो प्रकार हैं प्लस राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जब तक किसी पैथी को किसी संस्था को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान सरकार माननीय भजनलाल जी साहब, संपूर्ण लोग आयुर्वेद के विकास में लगे हुए हैं। उसी का नतीजा है कि आज आयुर्वेद आगे से आगे बढ़ रहा है। आयुर्वेद प्राचीन पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जी, शायद 4000 साल पुरानी प्रणाली चिकित्सा प्रणाली इसको कहते हैं जी। किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, आयुर्वेद आयु का वेद है। वेद का मतलब ज्ञान, आयु का मतलब है जब बालक होने से पहले उसका गर्भाधान संस्कार हुआ, उसके बाद जब उसमें आत्मा अथवा जीव का प्रवेश हुआ तब हम बोलते हैं कि इसका जात कर्म संस्कार, उसके बाद में जब बच्चा पैदा हुआ, कई संस्कार होते हैं। तो जब से आयु शुरू हुई और जब तक आयु है, अर्थात अंतिम प्रक्रिया, अंतिम श्वास व्यक्ति ने ली, उसको बोलते हैं हम आयु। उस संपूर्ण आयु को स्वस्थ कैसे रखा जाए, वो बीमार न हो, इसका जो ज्ञान है वो आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम प्रारंभिक अवस्था से ही उस व्यक्ति को स्वस्थ बनाएंगे, अच्छे होने की क्रियाएं बताएंगे, तो व्यक्ति बीमार नहीं होगा, और बीमार होगा तो उस अवस्था में फिर आयुर्वेद का दूसरा पक्ष है उस रोगी को ठीक करना। ये दोनों पक्ष मिलकर के आयुर्वेद में काम करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोतागणों को और जो देखने वाले हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद के सिद्धांतों में हमें आश्रय करना चाहिए, उसके प्रति हमें दृढ़ता रखनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। पारिक साहब, किस आधार पर आप रोगी को चिकित्सा देते हैं? क्या मतलब उस रोगी को क्या अनुभव होता है, किस प्रकार आप उसके रोगी का देखभाल करते हैं? देखिए, आयुर्वेद मूल रूप से पंचमहाभूत पर आधारित है। पंचमहाभूत से हमारे शरीर का निर्माण होता है। दूसरा, आयुर्वेद का सिद्धांत है त्रिदोषवाद। वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों को शरीर में किसी भी बीमारी के होने का प्रमुख कारण माना गया है। हम ये देखते हैं कि अमुक बीमारी में वायु बढ़ी हुई है तो हम उसका शमन करेंगे, कफ बढ़ा हुआ है उसका शमन करेंगे, अथवा इन दोषों का घटना हुआ है तो हम इनको बढ़ोतरी का कर्म करेंगे। जब दोष समान अवस्था में रहेंगे तो वो कहलाएंगे शरीर को धारण करने वाले, शरीर को चलाने वाले, और वो कम ज़्यादा हो जाएंगे तो शरीर को बिगाड़ने वाले। तो हमारा मूल सिद्धांत यह है त्रिदोष को सम अवस्था में रखना। इसके लिए आयुर्वेद में दो पद्धतियाँ बताई गई है, एक तो शोधन पद्धति, एक शमन पद्धति। शोधन पद्धति में पंचकर्म का प्रमुख स्थान है, इन दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, शोधन करना जी। ये पंचकर्म की अवस्था है। जब शरीर का शोधन हो गया, शरीर दोष शरीर से बाहर निकल गए, तब उनको हम औषधि के द्वारा शमन अवस्था में लाएंगे। जैसे कफ बढ़ा हुआ है, हमने उस व्यक्ति का वमन कराया, अर्थात उल्टी करवा करके और कफ का शोधन कर दिया। इसके पश्चात हम कफ को शमन करने वाली औषधियाँ जैसे सौंठ है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, इनका सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से कफ की बीमारियाँ कभी नहीं होंगी उस व्यक्ति को। तो ये हमारे दो सिद्धांत हैं, त्रिदोषवाद है, शोधन और शमन चिकित्सा है। पारिक साहब, इसका मतलब ये हुआ कि घर की रसोई में ही आयुर्वेद की बिल्कुल स्थापना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रसोई में जो चीज़ें मिलती है वही आयुर्वेद की एक दवा के रूप में काम आती है। जी जी जी। पारिक साहब, कोटा जो महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, तो इसमें किस किस तरह की पद्धतियाँ चिकित्सकों को सिखाई जा रही है? राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा, ये हमारे यहाँ पिछले 2 साल से कार्यरत है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक कॉलेज है और एक आयुर्वेद का कॉलेज है।
ये एकीकृत महाविद्यालय हमारे कोटा में खुला हुआ है। अभी वर्तमान में इसका कार्य चल रहा है, क्लासेज चल रही हैं। इसमें बच्चों को फार्मेसी का ज्ञान, जड़ी बूटियों का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान और इन सबसे पूर्व शरीर की रचना और शरीर की क्रिया, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, शरीर की बनावट क्या है और शरीर की क्रिया क्या है, ये दोनों पढ़ाई जाती है। इसके बाद पश्चात शरीर में खराबी कैसे होती है, विकृति विज्ञान पैथोलॉजी, वो पढ़ाई जाती है। तो ये तो हुआ हमारा पाठ्यक्रम का हिस्सा। और जो कॉलेज में चिकित्सा का हिस्सा है उसके अंतर्गत हम बच्चों को पंचकर्म सिखाते हैं, क्षार सूत्र अर्थात किसी के पाइल्स हो गया, भगंदर, बवासीर, ये जो सामान्य भाषा में बोलते हैं अपन, वो बीमारी हो गई, उसका आयुर्वेदिक एक पद्धति है जिसको बोलते हैं क्षार सूत्र बंधन। दवाओं से एक धागा तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं क्षार सूत्र, उसको हम जो है उस बवासीर पर बांध दिया करते हैं तो नेचुरली वो बवासीर टूट करके गिर जाता है। तो ये सारी पद्धतियाँ हम बच्चों को सिखाते हैं। एक जरावस्था हमारे यहाँ पर यूनिट चलती है, वृद्धावस्था में व्यक्ति के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं और उनको क्या दवाओं की ज़रूरत होती है, यह भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और वहाँ पर हमारे यहाँ जो एक इसकी यूनिट चलती है उसमें सबको दवाइयाँ देते हैं। पारिक साहब, आप समय समय पर जागरूक करने के लिए कई शिविर चलाते हैं, आरोग्य मेलों का भी आप आयोजन करते हैं, तो इनमें क्या लोगों को सही जानकारी आप प्रभावित करते हो? जी, हमारे विभाग की ओर से वर्ष में एक बार एक जिले में 10 दिवसीय अर्शभगंधर क्षार सूत्र का ऑपरेशन निःशुल्क किया जाता है। उसके माध्यम से भी हम उस अमुक गांव में जाएंगे, वहाँ जितनी भी पब्लिक आती है, गांव के लोग आते हैं, उनको एक सामान्य आयुर्वेद की दिनचर्या के बारे में बताएंगे। उसके अलावा संभाग स्तर पर वर्ष में एक बार आरोग्य मेले का आयोजन होता है। अभी पिछली बार कोटा में आरोग्य के मेले का आयोजन हुआ था, आपने बहुत अच्छा कवरेज दिया था। उसके माध्यम से भी हम व्यक्ति की दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, और एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, कोटा में जो बच्चे कोचिंग संस्थान में पढ़ने आते हैं वो डिप्रेशन में अथवा तनाव में बहुत रहते हैं, स्ट्रेस बहुत रहता है, तो आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग किसी न किसी रूप में, चाहे तो बच्चा हमारे पास दवा लेने आए या हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय में या दाऊदयाल जोशी जो हॉस्पिटल है उसमें जाए, तो हमारे चिकित्सक दवा देने के साथ साथ उसको उसकी काउंसलिंग भी करते हैं कि स्ट्रेस क्यों हो रहा है, डिप्रेशन क्यों हो रहा है, आपको इससे कैसे बचना है, तो हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। दूसरा, कोटा में एक एग्रीकल्चर का प्रशिक्षण केंद्र है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, उसको शॉर्ट में सीएम बोलते हैं, वहाँ जो प्रशिक्षण होता है कृषि पर्यवेक्षक आते हैं पूरे राजस्थान से, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में लोग आते हैं, तो वहाँ पर भी मैं पैनलाइज्ड हूँ और वो मुझे आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुर्वेद का स्वास्थ्य, आयुर्वेद की बीमारियाँ, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, ऐसे आयुर्वेद के अलग अलग सब्जेक्ट पर बोलने के लिए मुझे बुलाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी एक विषय उन्होंने मुझे दे रखा है, इस पर भी मुझे बोलने के लिए बुलाते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ पर भी जो मुझे याद करते हैं, चाहे आकाशवाणी ने एक बार मुझे बुलाया था मैं वहाँ भी गया, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को आयुर्वेद के उपदेशों में, शास्त्रोक्त ज्ञान में अपना निवेश करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, जो भी चिकित्सक मिले उससे बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, चैनल्स जो अच्छे अच्छे आरोग्य के बारे में बता रहे हैं उनको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, ये मैं चाहता हूँ। पारिक साहब, आज देखा जाता है कि आयुर्वेद के लिए लोग पीछे पहले इसलिए हट जाते थे कि इसमें धीरे धीरे दवा का असर होता है, यानी रोग समय पे समाप्त नहीं होगा, ऐसी जो भावना थी लोगों में आज दूर होती जा रही है जी। तो क्यों ऐसा आयुर्वेद में कि धीरे धीरे इसका उपचार होता है? देखिए, आयुर्वेद बीमारी के साथ उस व्यक्ति को ठीक करने की प्रक्रिया है। हम लोग डायरेक्ट बीमारी को ठीक करते हैं ऐसा नहीं है, बीमार व्यक्ति को भी हम मद्देनज़र रख करके उसका भी इलाज करते हैं।
तो निश्चित रूप से समय लगता है, उस बीमार होने में जितना टाइम लगा, कम से कम हम जब उस रोग को ठीक करने की तरफ कोशिश करेंगे तो टाइम लगना स्वाभाविक है। दूसरा, हमारी जो दवाइयां हैं वो क्रूड फॉर्म में डायरेक्ट चूर्ण रूप में इस तरह से दी जाती हैं, तो उनका जो कार्यकारी तत्व है वो हमारे शरीर में चूर्ण या गोली वो शरीर में जाएगा, वहाँ उसका अवशोषण होगा, फिर उस बीमारी पर काम करने वाला जो घटक उस चूर्ण में अथवा उस औषधि में विद्यमान है वो उस बीमारी पर आकर के कार्य करेगा। वर्तमान में अब क्या है कि कई फार्मेसियाँ आ गई हैं और विज्ञान का सहारा लेकर के और कई फार्मेसियों ने हमारे जो चूर्ण वगैरह हैं उनका सत्व एक्सट्रैक्ट निकालना शुरू कर दिया, और उस एक्सट्रैक्ट से जो गोलियां बनती है वो शीघ्र प्रभावी हो रही हैं। तो निश्चित रूप से आज आयुर्वेद आगे बढ़ने का एक ये भी कारण है कि शीघ्रता से रोगी ठीक हो रहे हैं। पारिक साहब, आप सहायक निदेशक हैं जी, और आप हर संभाग में जाते हैं, तो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में दवाओं की क्या स्थिति है जी, उपलब्धता है या नहीं जी? हमारे यहाँ पर आयुर्वेद विभाग की राजस्थान में डिपार्टमेंटल फार्मेसियाँ हैं जी। हमारी दवाइयों का निर्माण उन्हीं फार्मेसियों में होता है, जैसे भरतपुर में फार्मेसी है, जोधपुर में फार्मेसी है, अजमेर में फार्मेसी है, केलवाड़ा में फार्मेसी है, उदयपुर में फार्मेसी है। तो यहाँ पर अलग अलग दवाओं का निर्माण होता है और वहीं से सप्लाई होती है, तो दवा की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। फिर भी राज्य सरकार और आयुर्वेद विभाग समय समय पर समीक्षा करता है, विभागीय अधिकारियों को बुलाते हैं, और जहाँ जो भी कमी आयुर्वेद विभाग में नज़र आती है उसकी पूर्ति करते हैं। वर्तमान में दवाओं की उपलब्धता सभी डिस्पेंसरीज में पर्याप्त है। पारिक साहब, पहले आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आउटडोर न्यून होता था जी, आज दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे का कारण भी वही है, जागरूकता, दवाओं की उपलब्धता। सरकारी दवा के अलावा गाँव में भी प्राइवेट जो आयुर्वेद के स्टोर हैं उनकी उपलब्धता, चिकित्सक की उपलब्धता, पिछले कई सरकारों ने गांव-गांव में ढाणी-ढाणी में आयुर्वेद औषधालय खोले हैं, और गवर्नमेंट ही उन गांवों में कई प्रकार के प्रकल्प चलाती है रोगियों को अच्छा करने के लिए। अभी एक मिशन चल रहा है AHWC, आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से एक निश्चित राशि आ रही है, उस राशि से दवाइयां आ रही हैं, फर्नीचर आ रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हमारे डिस्पेंसरी के छोटे छोटे गांव में आ रहे हैं, और 20 वनौषधीय पौधे जो हर आदमी को जिनकी जानकारी होनी चाहिए वो उस डिस्पेंसरी में लगाए जा रहे हैं। 20 औषधियाँ, उनका नाम वहाँ लगाएंगे, वो क्या काम करते हैं उनको लगाएंगे। तो इन सब को देखने के बाद वो गांव का जो व्यक्ति है वो सोचता है कि आयुर्वेद तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज के 15 साल पहले 20 साल पहले ऐसा था कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, फर्नीचर नहीं है, कुर्सी टूटी हुई है, औषधियाँ नहीं हैं। अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है, जो ऊपर से पैसा आ रहा है उससे भवन बन रहे हैं, गवर्नमेंट का एक नक्शा, अप्रूव्ड नक्शा है, उसी के आधार पर डिस्पेंसरी का निर्माण हो रहा है, फर्नीचर बहुत आ रहा है, डॉक्टर भी है, कंपाउंडर है, फोर्थ क्लास है, औषधियाँ हैं। तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों से व्यक्ति आकर्षित होकर के आयुर्वेद डिस्पेंसरी में आ रहा है, और इसलिए लाइन लगती है चिकित्सक के पास। पारिक साहब जी, कोरोना के समय जो आयुर्वेद का प्रसार हुआ शायद पहले नहीं देखा जाता था जी। राज्य के चिकित्सालयों के अलावा आयुर्वेदिक जो चिकित्सालय उसमें एक भीड़ लगी रहती थी, तो क्या ऐसी औषधि आपने मतलब आयुर्वेद में मिली
जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में उसको सहायक हुई। जी, जो भी कोई बीमारी हो रही है, चाहे वो महामारी के रूप में हो अथवा महामारी के रूप में नहीं हो, इन सभी बीमारियों में आयुर्वेद का जो इम्यूनिटी पावर व्यक्ति के अंदर है जी, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है तो कोई सी बीमारी नहीं होगी, और होगी तो उसका असर कम होगा। यही अवस्था कोरोना के समय पर हुई। कोरोना की वजह से, उस वायरस की वजह से लोग बीमार होने लगे। आयुर्वेद ने चिंतन करा कि जो आयुर्वेद की इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन्स हैं उनको हम आगे लाएं। इसके लिए आयुर्वेद के वैज्ञानिकों ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अश्वगंधा, जिसको अश्वगंध या विथेनिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय या गुडुची, सौंठ, काली मिर्च, ये छोटी छोटी जो सिंगल मेडिसिन्स हैं, एक एक औषधि है, इनका भी प्रयोग करवाया। और इम्यूनिटी बूस्टर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि च्यवनप्राश का सेवन करना। च्यवनप्राश व्यक्ति को 12 महीने खिलाया जाए, सर्दी में तो खाते ही हैं, तो इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बूस्टर व्यक्ति का होता है। और इन सब चीज़ों को हमने प्रचलित किया हमारे विभाग से। वात श्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ, इसकी सप्लाई कई क्विंटल में गवर्नमेंट ने करी, और गवर्नमेंट से हमारे पास में आया, हम लोगों ने प्रत्येक डिस्पेंसरी में बांटा, और उसके 100-100 ग्राम के पैकेट बनवा करके हमने जिला प्रशासन के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से, पुलिस विभाग के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट में उनके कर्मचारियों को पहुँचाया, उनके परिवार के लोगों को पहुँचाया, और उनके जो भी मिलने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाया, और जन सहयोगी जितनी भी संस्था हैं उनके माध्यम से हमने हजारों की तादाद में वो जो पैकेट्स थे पूरे राजस्थान में बंटवाए, और लोगों ने बड़े चाव से उस काढ़े को बनाया, सुबह शाम पिया, तो सामान्य सर्दी जुकाम वो तो ठीक हुआ ही, कई लोगों को कोरोना में भी आशातीत लाभ मिला। पारिक साहब, आयुर्वेद में जटिल बीमारी जैसे कैंसर है, दमा है, इस तरह की दवा भी है जो जिससे रोगी ठीक हो सकते हैं? जी, जहाँ तक दमा का सवाल है, दमा श्वास रोग की बीमारी है। इसमें आदमी को अपनी एलर्जी की अवस्था को देखना चाहिए। एलर्जी से ही जुकाम, खांसी और श्वास की अवस्था होती है। तो एक तो इम्यूनिटी बूस्टर, दूसरा एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, जैसा कि च्यवनप्राश, सौंठ, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों का तो प्रयोग करेंगे ही तो दमा ठीक रहेगा। रही बात कैंसर की, तो कैंसर पर अभी शोध कार्य चल रहे हैं हमारे आयुर्वेद विभाग में। जहाँ भी इसके शोध संस्थान हैं, चाहे हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है, जोधपुर आयुर्वेद विश्वविद्यालय है, लखनऊ है, दिल्ली आयुर्विज्ञान संस्थान आयुर्वेद का है, इन सभी जगह पर कैंसर पर काम करने वाली दवाइयाँ कितना काम कर रही हैं वो अभी शोध का विषय है, शोध चल रहा है, उसके परिणाम अभी अपेक्षित हैं। पारिक साहब, हाड़ौती की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आयुर्वेद के बारे में, कि आयुर्वेद का उपचार लें और स्वस्थ रहें, अपनी दिनचर्या से कैसे वह उठे बैठे? देखिए, मुझे मदन मोहन मालवीय जी का एक दोहा याद आ रहा है कि दूध पियो, कसरत करो और नित्य जपो हरिनाम, मन लगाए विद्या पढ़ो तो पूर्ण हो सब काम। वो छोटी सी बात है पर बड़ा अर्थ है। मैं आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपनी दिनचर्या का सुधार करें। दिनचर्या कहाँ से स्टार्ट होती है? उठने से। आयुर्वेद बोलता है ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से एक घंटा पूर्व मान लें कॉमन, उस समय व्यक्ति उठेगा। उठने के बाद
अपनी जो नित्य क्रिया है उनसे निवृत्त हो, उठने के बाद गुनगुना पानी पीवें, शौच जाएं, ब्रश करें, फिर व्यायाम जरूर करें। वर्तमान में लोगों ने व्यायाम करना छोड़ दिया, लिहाजा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, और भी कई बीमारियां जिनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारी, ये होने हो रही है। तो व्यक्ति जब व्यायाम करेगा तो कई बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि समय पर उठें फिर व्यायाम करें। तीसरा, आजकल लोगों ने मसाज करना छोड़ दिया, शरीर पर तेल लगाना छोड़ दिया, उसको हम बोलते हैं अभ्यंग करना। व्यक्ति को प्रतिदिन 12 महीने स्नान से पूर्व अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंगम आचरेत नित्यम, शास्त्रों में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है, अष्टांग संग्रह इसमें लिखा है कि नित्यम अभ्यंगम आचरेत, व्यक्ति को प्रतिदिन अभ्यंग का आचरण करना चाहिए। ये हमारे चिकित्सक लोगों को बताएंगे, बताते हैं, इस मंच के माध्यम से बताता हूँ कि व्यक्ति को 12 महीने अभ्यंग करना चाहिए। शिरः श्रवण पादेशु तम विशेषेण शीलयत, उस अभ्यंग को सिर में भी लगाओ। जो ऋतु के अनुकूल तेल है, सर्दियों में सरसों का ले लो, गर्मी है नारियल का ले लो, जो अनुकूल आपके उपलब्धता है। सिर में तेल लगाएं, हल्का सा नाक में तेल लगाएं। जब भी आपने बात करी थी कि दमा का उपचार क्या हो, तो जो एलर्जी है वो नाक में जाने से बचेगी। हम रोज़ाना नाक में हल्का सा तेल लगाएं। वैसे तो मेडिकेटेड तेल आ रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में सप्लाई भी है, आयुर्वेद में हमारे यहाँ अणु तेल की सप्लाई आ रही है। तो अणु तेल को प्रतिदिन व्यक्ति नाक में डाले तो जुकाम नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, और वो ना हो तो कोई सा तेल लगा ले, गाय का घी लगा ले, थोड़ा नाभि में लगा लें, पाँव के तलों में ज़रूर लगाएं। अभ्यंग लोग हाथ पैर छाती सब में लगाएंगे, पर पाँव के तलों में लगाते हैं। पादेशु, शिरः श्रवण पादेशु का मतलब है कि पाद तलेशु, पाँव के तलों में उस अभ्यंग को, उस सरसों के तेल को जरूर लगाएं। तो ये तीसरी प्रक्रिया होगी। इसके पश्चात सूर्य नमस्कार कर सकते हो। फिर ये तो हुई दिनचर्या की बात, दूसरा हम भोजन को ले लें, समय पर भोजन करें। आप दुनिया की जितनी भी औषधियां हैं, दुनिया के जितने भी साधन व्यक्ति को ठीक स्वस्थ रखने वाले हैं, वो अगर 1000 कारण हैं, उन सब में टॉप पर क्या है, काले भोजनम आरोग्य कराणाम श्रेष्ठ, समय पर भोजन करना। स्वास्थ्य की जितनी भी दवाइयां हैं, जितने भी साधन हैं, उन सब में टॉप पर क्या है, समय पर भोजन करें। आयुर्वेद कहता है कि आहार वेला न अतिक्रमणीय, समय पर भोजन करने का जो टाइम है आपका, उसका अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। टाइम फिक्स होना चाहिए कि 10 बजे 11 बजे। याम मध्य न भोक्तव्यम, कई श्लोक हैं, याम युग्मम न लंघयेत, प्रथम प्रहर में भोजन नहीं करना चाहिए और दूसरे प्रहर को टालना भी नहीं चाहिए। 11 बजे के पहले पहले भोजन कर लो आप। तो ऐसी कई अवस्था हैं, पहला भोजन करा, दूसरा भोजन का गैप होना चाहिए 8 घंटे का, उसके बीच में आप कुछ नहीं खाएं। जबकि आजकल आदमी 24 घंटे कुछ ना कुछ, यहाँ वो मिल गया तो खा लिया, वो मिल गया, वैसा नहीं होना चाहिए। 8 घंटे का गैप होना चाहिए। रात्रि का जो भोजन है वो सूर्योदय के होने तक कर लो, लेट आवर्स में भोजन ना करें। और शाम का जो भोजन कर रहे हो उस भोजन के बाद 16 घंटे का, 8 और 16 घंटे का। तो इस तरह से आहार पर हम बात करेंगे। फिर आहार में क्या क्या भोजन में होना चाहिए, सर्व रसाभ्यास हो आरोग्य कराणाम श्रेष्ठ है। व्यक्ति को अपने भोजन में सभी तरह के रस, 6 रसों का वर्णन है, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, हमारे भोजन में मीठा तो हो पर साथ में कोई कड़वी चीज़ भी हो, कोई तीखी चीज़ भी हो, तो उससे क्या होगा कि सब बैलेंस हो जाएगा। आज डायबिटीज़ बढ़ रही है तो लोग मीठा तो खा रहे हैं पर कड़वी चीज़ को खाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, दाना मेथी भी खाओ, कड़वी चीज़ भी खाओ, कुछ तीखी चीज़ भी खाओ, काली मिर्ची भी खाओ, हरी मिर्ची भी खाओ, लाल मिर्ची भी खाओ, करेला भी खाओ, तो बॉडी में बैलेंस कब होगा, सर्व रसाभ्यास हो, सभी तरह के रसों का अभ्यास भोजन में होना चाहिए। आजकल एक चीज़ और चल रही है, मल्टी कलर का थाली, मल्टी कलर की थाली, उसमें पीले रंग की चीज़ भी हो, लाल रंग की चीज़ भी हो, वाइट भी हो, तो उसमें क्या होगा कि अलग अलग तरह के विटामिन अलग अलग तरह के कलर में होते हैं। जैसे पपीता है, उसको आप खाओगे तो उससे अलग विटामिन मिल रहा है, गाजर खाओगे उससे अलग चीज़ मिल रही है, मूली खाओगे उससे अलग चीज़ मिल रही है, तो
बात वही है कि सर्वरसाभ्यास हो, ये हो गया। दूसरा समय पर सोना, समय पर सोओगे तो समय पर उठोगे, योगा करो, प्राणायाम करो, अध्ययन करो, ऐसी कई बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा आयुर्वेद के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि व्यक्ति को अपना जीवन समयबद्ध तरीके से जीना चाहिए, समयबद्ध तरीके से सोना चाहिए और समयबद्ध तरीके से ही पैसे का खर्च करना चाहिए। आज पैसा अनर्गल रूप से व्यक्ति खर्च कर रहा है, उससे भी टेंशन बढ़ रहा है। बच्चों के अलावा बड़ों में भी टेंशन होने का एक कारण है अर्थ। क्षणशः कणकश्चैव वित्तम विद्याम उपार्जयेत, कण कण करके पैसे को जोड़ना चाहिए और क्षण क्षण विद्या का अर्जन करना चाहिए। जहाँ से जो चीज़ मिले, अच्छी चीज़, उसको ले लेना चाहिए क्षण क्षणशः। और कणकः, जहाँ जहाँ से भी पैसा आप हल्का हल्का कमा सकते हो, कमाना चाहिए। और घर पर उसका एक स्टोरेज होना चाहिए और उसका जो क्षय है, उसका जो खर्च करना है वो लिमिटेड होना चाहिए। तो जितनी पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, जितनी हमारी इनकम है वैसा खर्च करेंगे तो जीवन में टेंशन नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये थे हमारे साथ सहायक निदेशक आयुर्वेद रेवती रमन जी पारिक साहब। इनसे हमने आयुर्वेद से संबंधित कई ज्ञान अर्जित किया और सभी लोग आयुर्वेद से को पहचाने और इनकी दिनचर्या के अनुसार अपना काम करें। ये थे हमारे साथ रेवती रमन साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।